जनसंपर्क के दौरान नवाब मलिक का किया महिलाओं ने स्वागत। अभी इन्होंने जो कहा कि गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा नवाब भाई के आने पर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? हम इससे सहमत है क्योंकि 15 साल से हम जिसको वोट कर रहे हैं उसके राज में ना महिला सुरक्षित है, ना हमको कोई चीज की यहाँ पे मानकुर में कोई चीज की सुविधा मिली है। खाली गुंडागर्दी हो रही है, महिलाओं पे आए दिन अत्याचार हो रहा है। ये हम नहीं चाहते कि हमारा एरिया सुधरे। इसके लिए नवाब मलिक का हमने काम देखा हुआ है। इसके लिए नवाब मलिक को हमने यहाँ पे तहे दिल से बुला के उनका स्वागत किया है और हम इस बार दिल से चाहते हैं कि नवाब मलिक इस बार MLA बन के आवे। मौसी, चुनाव में किसको वोट देना है? नवाब भाई को। क्या निशानी क्या है? गाड़ी। सिलेंडर। क्यों दे रहे? नवाब भाई यहाँ आए, किस तरीके का आश्वासन मिला आपको? हमको तो बहुत अच्छा लगा नवाब भाई आए तो। इसके लिए हमको नेता बदलना है। अबू हाशिम तो इधर गुंडागर्दी बहुत कर रहा है, उसका धुआं कंपनी में हम लोग को हटाना है, उससे बीमारी बहुत चल रही है। बस यानी धुआं नवाब मलिक को हम लोग बचपन से जानते हैं। हम लोग कुरला कसायवाड़े में पहले रहते थे और अभी मैं 82 से भाड़े से भटक रही हूँ। हमारा कुछ हल नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं नवाब मलिक यहाँ से जीत करके आए और हम लोग की समस्या दूर करें। मुंबई 2024 विधानसभा चुनावी जनसंपर्क के दौरान मानखुर्द के PM GP महाड़ा कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 94 में मौजूद महिलाओं ने नवाब मलिक का भव्य स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने उनके चुनावी जीत की कामना की। इस दौरान नवाब मलिक ने यह कहा कि मैंने पहले से ही इन बिल्डिंगों का विकास व विस्तार किया है, अगर मेरी जीत हो तो फिर एक बार विकास की गति को आयाम दिया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। कामयाब कर देंगे तो हमारी जो भी समस्या है निश्चय भाई कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यहाँ पर चावल लोग की समस्या है, मैदान है, गार्डन है, स्कूल की समस्या है, इसी भाई कर सकते हैं। और भाई की इतना मोहब्बत है हम लोगों से, जातिवादी नहीं है, सार्वजनिक है, सबके लिए काम करते भाई। और इंशाल्लाह अभी हम लोग इनको बहुमत से जिताएंगे और हम लोग हमारी जो भाई की दे साथ दे दो भाई, आने के बाद हर समस्या का हल निकलेगा, हर काम हो जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वसंत माने। क्या कहना चाहेंगे आज नवाब भाई यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? नवाब भाई यहाँ पे आए नहीं है, नवाब भाई को यहाँ के लोगों ने लाया गया है। जो कुरला में जो विकास हुआ, अनुशक्ति नगर में जो विकास हुआ, वो विकास को देखते हुए यहाँ के पब्लिक ने चाहा कि यहाँ का जो MLA नवाब मलिक जैसा होना चाहिए। यहाँ का जो पहले का MLA अबू हाशिम आज़मी जो था, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल कुछ काम किया नहीं है, बल्कि उन्होंने एक ही काम किया है, ड्रग्स बेचने का, गुटखा बेचने का, गुंडागर्दी करने का। ये सब काम यहाँ के अबू हाशिम आज़मी ने किया, उसके वजह से यहाँ पे नशाखोरी, गुंडागर्दी, दादागिरी, दमदाटी करना, ये सब यहाँ पे होता रहा है। इसके वजह से यहाँ की पब्लिक, मानकुर शिवाजनगर के जो लोग है, परेशान हो चुके हैं। और इस माध्यम से परेशान होने के वजह से ये के लोगों ने तय कर लिया है, कर दिया है कि हमें अगर कोई यहाँ का MLA चाहिए तो वो नवाब मलिक के जैसा आदमी चाहिए। नवाब मलिक आदमी जैसे आदमी ने अनुशक्ति नगर में जो 2009 में जो चुन के आए, बल्कि वो 2009 में अनुशक्ति नगर एक नया मतदार संघ था, 2014 में 1007 कम वोटों से वो हार चुके, 2019 में वो अच्छी तरह से वोट से जीत पाए। कुरला में लगातार 3 बार जीतने के बाद में कुरला का जो विकास किया उन्होंने, वो विकास को देखते हुए अनुशक्ति नगर के लोगों ने उनको जिता के लाया है। और अनुशक्ति नगर का विकास देखते हुए
मानकुर शिवाजीनगर के लोगों ने तय कर लिया है कि यहाँ का हमको अगर कोई MLA, हमको यहाँ का कोई आमदार अगर चाहिए तो वो नवाब मलिक जैसा आदमी चाहिए जो यहाँ का ड्रग्स माफिया, गुटखा माफिया, गुंडागर्दी, दादागिरी ये ख़त्म हो जाए और आम जनता को अच्छी तरह से राह मिल जाए। यहाँ पे बुजुर्ग लोग जो है वहाँ पे उनको संजय गांधी क्या करना चाहेंगे नवाब भाई के कार्यशैली पर आप प्रकाश डालिए। देखो नवाब भाई को मैं आज से नहीं जानता हूँ। नवाब भाई कुर्ला में 3 टर्म विधायक रह चुके हैं। वहाँ बहुत मसले थे, जैसे माड़ा कॉलोनी के बहुत थे, तो माड़ा मंत्री थे तभी माड़ा का FSI फ्री कराया, तो आज उधर डेवलपमेंट दिख रही है। खुद का जो बड़ा घर का सपना था उन्होंने पूरा किया नवाब भाई ने, और ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज का मसला था वो लोगों को घाटकों पर होके जाना पड़ता था, साइन होके जाना, तो रहदेरी का जो ट्रैफिक का मसला था वो सॉल्व करके दिया नवाब भाई ने। वो BKC लिंक रोड जो चुनापट्टी का है वो जोड़ने, वो बड़ा ब्रिज जो है वो नवाब भाई ने बनवा के दिया। माड़ा कॉलोनी में पानी का बहुत मसला था, पानी के लिए 3,65,00,000 के पानी की लाइन लाई, पानी का दिन रात 24 घंटा पानी मिला लोगों को। ऐसा काम करने वाले विधायक है नवाब भाई। आज कुर्ला में भी उन्होंने अच्छे लोगों का काम किया है और इधर भी आज वो लोगों की इच्छा थी ये नवाब भाई यहाँ से लड़े, यहाँ के बहुत काम हुए नहीं है उनके लिए। नवाब भाई को इन्होंने लोगों ने एक विनंती की कि इधर आपसे लड़ो, और नवाब भाई आप इधर से लड़ रहे हैं और लोगों का सबका काम करने के लिए वो काम करने वाले लोग हैं और काम करते रहे हैं। नवाब मलिक लोगों के मसले सॉल्व करेंगे और यहाँ से भारी वोट से चुन के आएंगे। अभी इन्होंने जो कहा कि गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा नवाब भाई के आने पर, क्या कहना चाहेंगे? हम इससे सहमत है क्योंकि 15 साल से हम जिसको वोट कर रहे हैं उसके राज में ना महिला सुरक्षित है, ना हमको कोई चीज़ की यहाँ पे मानकुर में कोई चीज़ की सुविधा मिली है। खाली गुंडागर्दी हो रही है, महिलाओं पे आए दिन अत्याचार हो रहा है। ये हम नहीं चाहते कि हमारा एरिया सुधरे, इसके लिए नवाब मलिक का हमने काम देखा हुआ है। इसके लिए नवाब मलिक को हमने यहाँ पे तहे दिल से बुला के उनका स्वागत किया है और हम इस बार दिल से चाहते हैं कि नवाब मलिक इस बार MLA बन के आवे। सर आपका? अजय श्रीवास्तव। क्या वजह है कि नवाब भाई ही चुनकर आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पिछले 15 सालों से अबू आसिम अजमी साहब यहाँ पे MLA हैं और उनके ही सारे कारपोरेटर हैं। जब भी यहाँ पे उसके देखेंगे बदलाव का यहाँ पे कामों के बारे में तो बस वही बोलते हैं पानी लाए, गटर लाए, तो फिर कारपोरेटर ने क्या किया। अब ये पहली बार ऐसा मौका मिला है कि दमदार आमदार नवाब मलिक जैसा एक अच्छा चेहरा यहाँ पे आया है, ये सौभाग्य की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बदलाव होगा, नया गोबंडी बनेगा, लोगों का काम होगा, गुंडों से नशेड़ियों से मुक्ति मिलेगी। बहुत सारी उम्मीदें लेके हम लोग नवाब मलिक के साथ काम करें। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा नवाब भाई का चुनाव जीतने के बाद? नवाब मलिक के जीतने के बाद यहाँ के जो गरीब जनता है वो शिक्षा से वंचित रखा जाता है, वो सब गुटके का ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, आए दिन हालात देख रहे हैं, महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, गंदगी है, लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, खून खराब हो, इन सारी चीज़ों से ऐसा उम्मीद है कि नवाब मलिक आने के बाद नेतृत्व उनका अच्छा रहेगा, कड़ा प्रशासन रहेगा और सारी चीज़ें बदलेंगी, सब लाइन लेवल पे चलेगा, कानून का राज होगा। नवाब भाई यहाँ आए किस तरीके का आश्वासन मिला? हमको तो बहुत अच्छा लगा नवाब भाई आए, तो इसके लिए हमको नेता बदलना है। अबू हाशिम तो इधर गुंडागर्दी बहुत कर रहा है, उसका धुआं कंपनी भी हम लोग को हटाना है, उससे बीमारी बहुत चल रही है। बस यानी धुआं नवाब मलिक को हम लोग बचपन से जानते हैं, हम लोग कुर्ला कसायवाड़े में पहले रहते थे और अभी मैं 82 से भाड़े से भटक रही हूँ, हमारा कुछ हल नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं नवाब मलिक यहाँ से जीत करके आए और हम लोग की समस्या दूर करें। मौसी चुनाव में किसको वोट देना है? नवाब भाई को। क्या निशानी क्या है? गाड़ी सिलेंडर है, सिलेंडर। क्यों दे रहे? अभी इन्होंने जो कहा कि गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा नवाब भाई के आने पर, क्या कहना चाहेंगे? हम इससे सहमत है क्योंकि 15 साल से हम जिसको वोट कर रहे हैं उसके राज में ना महिला सुरक्षित है, ना हमको कोई चीज़ की यहाँ पे मानकुर में कोई चीज़ की सुविधा मिली है। खाली गुंडागर्दी हो रही है, महिलाओं पे आए दिन अत्याचार हो रहा है। ये हम नहीं चाहते कि हमारा एरिया सुधरे, इसके लिए नवाब मलिक का हमने काम देखा हुआ है। इसके लिए नवाब मलिक को हमने यहाँ पे तहे दिल से बुला के उनका स्वागत किया है और हम इस बार दिल से चाहते हैं कि नवाब मलिक इस बार MLA बन के आवे।